दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर में। और आज हम करने जा रहे हैं एक कविता हिंदी की, जो कि आप लेसन 9 में देख रहे हैं, जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। आपकी क्लास 6 हिंदी की न्यू NCERT टेक्स्ट बुक है मल्हार, उसमें ये कविता है सूरदास द्वारा रचित, जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भगवान श्री कृष्ण जब बालक थे और उनकी माता यशोदा के बीच एक संवाद है इस कविता में। और मैया मैं नहीं माखन खायो का मतलब यही है कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, बहोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांच परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, चीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब भी हंसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। तो जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, मैया मैं नहीं माखन खायो, भगवान श्री कृष्ण जो बालक थे उस समय, वो कह रहे हैं अपनी माँ से कि मैया मैंने मक्खन नहीं खाया, माखन यानी मक्खन, मैया मैंने मक्खन नहीं खाया, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर भयो मीन्स सुबह होते ही, भोर भयो का मतलब होता है सुबह होते ही, और गैयन का मतलब होता है गायें, और के पाछे मीन्स पीछे। मधुबन जो है वो एक वन है या जंगल है, और जो मधुबन है ये मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन है। मधुबन जो है मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन है, ये याद रखें आप मधुबन को, मथुरा के पास यमुना के किनारे का एक वन। मधुबन मोही पठायो, मधुबन मोही पठायो का मतलब होता है कि मुझे जो है वहाँ पर आपने भेज दिया। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। तो भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, कि सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो इसका मतलब ये है कि चार पहर बंसी वट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो का मतलब होता है कि चार पहर बंसी वट में भटकने के बाद शाम होने पर मैं घर आया। ये बात कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स पहर होता है उसका मतलब होता है समय मापने की एक इकाई, और 3 घंटे का एक पहर होता है, ये याद रखें आप कि 3 घंटे का एक पहर होता है, और एक दिवस में 8 पहर होते हैं, यानी एक दिन में 8 पहर होते हैं। तो अगर हम सोचें कि एक दिन में 8 पहर होते हैं और एक पहर 3 घंटे का होता है, तो 8 पहर को हम 3 से
गुणा करेंगे तो 24 घंटे हमारा उत्तर आ जाता है। और आपको पता ही है कि एक दिन में जो है 24 घंटे होते हैं। तो क्लियर, मैं बालक बहियन को छोटो चीको के ही विधि पायो। मैं बालक बहियन को छोटो मीन्स मेरी बाहें छोटी हैं, बहियन का मतलब होता है बाहें, मेरी बाहें छोटी हैं, छीको के ही विधि पायो। अब जो छीका है ना, उस छीके का मतलब होता है गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बुना हुआ जाल। पहले आप छीके का मतलब समझ लें, गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने की चीज़ों जैसे दूध दही आदि की कुत्ते बिल्ली आदि से रक्षा की जा सके या उसको कुत्ते बिल्ली आदि न पा सकें। तो छिके का मतलब होता है गोल पात्र के आकार का रस्सियों का बना हुआ जाल जो छत या ऊंची जगह से लटकाया जाता है ताकि उसमें रखी हुई खाने की चीज़ें जैसे दूध दही आदि को कुत्ते बिल्ली आदि न पा सकें। तो ये तो था छीके का मतलब। इसके बाद यहाँ पर पूरी लाइन को समझें, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। इसका मतलब होता है कि मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। इसका मतलब है मैं छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये चारों लाइन समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगला है, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। ग्वाल बाल जो हैं ये कृष्ण जी के सखा हैं और सब बैर परे हैं मीन सब मुझसे बैर रखते हैं मीन सब मेरे विरोधी हैं। बरबस मुख लपटायो और इन्होंने मक्खन जो है हठ पूर्वक मेरे मुख पर लिपटा दिया। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। इसका मतलब है कि ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन जबरदस्ती यानी हठ पूर्वक मेरे मुख पर यानी मुंह पर लिपटा दिया। तो समझ में आ गया होगा आपको, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो। ये सब जो मेरे सखा हैं ये मेरे विरोधी हैं, इन्होंने मक्खन जो है जबरदस्ती मेरे मुख पर लिपटा दिया। आगे है, तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो। तू माता, कृष्ण कहते हैं अपनी माँ को कि तुम मन की बहुत भोली हो, भोरी का मतलब होता है भोली, इनके कहे पति आयो कि तुम जो है इनकी बातों में आ गई हो। माँ तुम मन की बड़ी भोली हो, इनकी बातों में आ गई हो। इनके कहे पति आयो का मतलब होता है इनकी बातों में आ जाना। तू माता मन की अति भोरी इनके कहे पति आयो मीन्स माता तुम मन की बहुत भोली हो और इनकी बातों में आ गई हो। आगे है, जिए तेरे कुछ भेद उपजी है जानी पर आयो जायो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि माँ तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो मुझे पराया समझ लिया। जिए तेरे कुछ भेद उपजी है मीन्स तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जानी परायो जायो कि जो मुझे पराया समझ लिया। कि माँ तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है जो तुमने मुझे पराया समझ लिया। उसके बाद है, ये ले अपनी लकोटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी लकोटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो। तो अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो लकोटी कमरिया है उसका मीनिंग क्या होता है। तो आप सबसे पहले लकोटी कमरिया को समझें।
लकोटी कमरिया जो है लाठी और छोटा कंबल, लकोटी को हम लाठी कह सकते हैं और कमरिया को हम छोटा कंबल कह सकते हैं। और मान्यता ये है कि श्री कृष्ण जी लकोटी कमरिया लेकर गाय चराने जाया करते थे, मीन्स लाठी और छोटा कंबल लेकर गाय चराने जाया करते थे। तो अब ये कृष्ण जी कहते हैं अपनी माता यशोदा को कि ये लो अपना लाठी और कंबल, बहुत ही नाच नचायो, तुमने मुझे बहुत नाच नचा दिया। अपनी माता को कहते हैं कि ये ले अपनी लकोटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। तो कहते हैं कृष्ण जी माता यशोदा से, ये लो अपना लाठी कंबल, तुमने मुझे बहुत नाच नचा दिया। सूरदास तब भी हंसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। कवि सूरदास जी के अनुसार कृष्ण जी का ये उत्तर सुनकर माता यशोदा बहुत हंसी, ले उर कंठ लगायो, और कंठ लगायो का मतलब होता है गले लगाना। और कृष्ण जी का ये उत्तर सुनकर कि ये ले अपनी लकोटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास के अनुसार माता यशोदा हंसी, उनको हंसी आ गई। भी हंसी का मतलब होता है हंसना, और ले उर कंठ लगायो, और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी जो कविता जो है वो समाप्त होती है। अब थोड़ा सा हम जो है ये कवि से परिचय देख लेते हैं। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, इस कविता मैया मैं नहीं माखन खायो, इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको कविता अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।